नमस्कार भक्तगणों, आज मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कथा के सुनने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मातेश्वरी लक्ष्मी ही सृष्टि संचालक भगवान विष्णु की वास्तविक शक्ति है। आप धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी होने के साथ ही भक्तों को यश वैभव योग्य संतान सभी प्रकार के सुख शांति प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को ध्यान कर करके इस पाठ को शुरुआत करनी चाहिए। चक्रधरपुर एक बड़ा नगर था और वहाँ का राजा नामदेव एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था। उसके राज्य पर भगवती महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा थी। यही कारण था कि दूर दूर से आकर लोग वहाँ बसते थे। कहते हैं कि जब आबादी बेतरतीब बढ़ती है तो अनेक समस्याएं भी साथ लाती है। ऐसा ही कुछ चक्रधरपुर में भी हुआ। चोरी डकैती होने लगी। राह चलते राहगीर भी सुरक्षित नहीं रहे। जहां चारों ओर शांति और सौहार्द का बोलबाला था, भाईचारा था, उसे चक्रधरपुर में महिलाएं शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में भय महसूस करने लगे। भले लोगों को जीवन बिताना दुर्भर हो गया था, पाप बढ़ जाने के कारण मातेश्वरी महालक्ष्मी भी अब वहाँ पहले के समान कृपाएं नहीं करती थी। इस नगर में श्यामलाल और उसकी पत्नी सुशीला अपने 2 बालकों के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। पति पत्नी दोनों ही परम धार्मिक थे। वे दोनों प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाते भक्ति भाव से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख थे। नगर के लोग श्यामलाल और सुशीला को आदर्श मानते थे और उनकी ईमानदारी शक्ति की प्रशंसा करते थे। समय का चक्र इसी प्रकार चलता रहा, परंतु कर्मों की गति और भाग्य के लिए को तो कोई नहीं टालता। धीरे धीरे सुशीला की पति श्यामलाल भी बुरे लोगों की संगति में फंस गया। वह प्रतिदिन शराब पीने पान तंबाकू खाने लगा। धीरे धीरे चरस और गांजा पीने तथा जुआ खेलने के कुमार्ग पर भी वह चल पड़ा। नशे की तंग में वह दिन भर जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इस चक्कर में उसने अपनी दुकान बेच दी। धीरे धीरे करके घर के सारे जेवर भी बल्कि बर्तन भी बिक गए। घर में रोटियां के लाले थे, परंतु श्यामलाल को तो शराब और जुए की लत पड़ ही गई थी। वह सुबह ही घर से निकल जाता और अपने शराबी कबाबी दोस्तों के साथ दिन भर गुजार करके खाली हाथ घर लौटता। घर आते ही सुशीला से क्लेश करना आरंभ कर देता और कई बार बिना वजह बच्चों को भी पीट डालता। जहाँ पति कोई काम न करता हो और दिन रात कलह रहती हो, वहाँ तो कुलक्ष्मी का वास हो ही जाता है। जिस घर में कभी लक्ष्मी का वास था, उस घर में अब कुलक्ष्मी अपना कब्जा जमा चुकी थी। सुशीला जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट भरती और कई बार तो स्वयं भूखे ही सो जाती। सुशीला इतने दुख पा रही थी, परंतु फिर भी भगवान और मातेश्वरी महालक्ष्मी जी पर उसे पूर्ण विश्वास था। वह समय निकालकर प्रतिदिन मंदिर जाती, हाथ जोड़कर मातेश्वरी से पुराने दिन वापस लाने की प्रार्थना करती। एक बार उसे 2-3 दिन तक कोई काम नहीं मिलता। वह 2 दिन की भूखी थी, फिर भी वह सुबह स्नान करके वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गई और मातेश्वरी महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करके रोने लगी। उसने न तो अपने पति की बुराई की और न ही भगवान को दोष दिया। रो रो कर यह कहती रही, हे माता, आप मुझे मेरे किस पाप की सजा दे रही हो? बच्चों को भूखा रखना मुझसे नहीं देखा जाता, अब तो कुछ उपाय करो। मंदिर के पुजारी सुशीला को काफी समय से देख रहे थे कि पुजारी ने सुशीला से उसके रोने का कारण पूछा। तब सुशीला रोते हुए कहने लगी, महाराज, हमारे घर में सभी सुख थे। मेरे पति की अच्छी खासी दुकान थी। अब वह बहुत ही ईमानदार और धार्मिक थे, परंतु अब वह
शराब पीने और जुआ खेलने लगे हैं। दुकान और घर सभी सामान बिक चुका है। आज तो बच्चों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। सुशीला की बात सुनकर पुजारी जी बोले, बेटी निराश मत हो, सुख और दुख तो धूप और छाया की तरह आते जाते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है, परंतु अब तेरे दुख के दिन समाप्त हो चुके हैं। तो मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी धन धान्य योग्य संतान मान सम्मान प्रदान करने वाली मातेश्वरी है। वह करुणा और दया की साक्षात मूर्ति है। तू 11, 21 अथवा 51 शुक्रवार को घर में मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी की पूजा कर, उसके निमित्त व्रत रख। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी तुम पर अवश्य कृपा करेंगी। पुजारी जी के वचन सुनकर सुशीला को कुछ ढांढस बंधा। वह हाथ जोड़कर पुजारी जी से बोली, महाराज आपका कथन सत्य है। मैं मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी की इस व्रता को अवश्य करूंगी। आप मुझे इसका पूरा विधि विधान तरीका बतला दीजिए। मुझे आप पर और मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास अटूट श्रद्धा है। सुशीला की भक्ति भावना और श्रद्धा को देखकर पुजारी जी ने सुशीला को संपूर्ण शास्त्रोक्त विधान बतलाया। पुजारी जी को कहने लगी, बेटी मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का यह व्रत पूजन प्रत्येक शुक्रवार को किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार तक व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करो। अष्टादी से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठो। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें। यह कलश तांबे अथवा मिट्टी का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस पर कटोरी में कोई भी स्वर्ण भूषण रखें। सोने का ना हो तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी ना हो तो रुपए का सिक्का रखकर भी पूजा की जा सकती है। पूजा की विधि बतलाते हुए पुजारी जी ने आगे कहा, बेटी तुम धन प्राप्ति की पूजा और पति को सुधारने के लिए यह व्रत कर रही हो तो मातेश्वरी से प्रार्थना करना कि हे जगत माता, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हूँ। हे माँ, पहली बार आपसे कुछ मैं मांगने की घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनाने की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत भी नहीं है जिससे हम खाना खा सके। मुझे उतना ही देना जितना में हमारा घर गुजारा हो सके और मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार देना। पुजारी जी आगे कहने लगे, पुत्री जिसे संतान की कामना हो वह संतान के लिए और जो अन्य कार्यों का इच्छुक अपने कार्य की सिद्धि के लिए मातेश्वरी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद मातेश्वरी से चालीसे का गायन कर मातेश्वरी के यंत्र और चित्र का आरती उतारें। आरती के पश्चात प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सदा स्वास्तिक भोजन करें। इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों की सभी कामनाओं को मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी शीघ्र ही पूर्ण करने देती है। पुजारी जी के मुखारबिंद की व्रत की महिमा और विधि सुनकर सुशीला ने उसी समय 21 शुक्रवारों तक व्रत करने का निश्चय कर लिया। वह पुजारी जी से कहने लगी, महाराज अब आप इस व्रत के उद्यापन की विधि भी बतला दीजिए। उद्यापन के बिना तो व्रत अधूरा ही रहता है। पुजारी जी कहने लगे, पुत्री चाहे जितने भी शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया हो, मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनाए रखना चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति इन दिन पूजन करें, परंतु प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 5, 7 या 11 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें भोजन कराने के पश्चात सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे और माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत पुस्तक के
और उपहार स्वरूप के सभी स्वरूपों को मन ही मन में नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी पूजा करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किए हैं तो आप मेरी यह कामना पूर्ण करना और सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। पुजारी जी को नमस्कार करके और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे 21 शुक्रवारों तक व्रत करने का संकल्प लेकर सुशीला अपने घर आ गई। अगले दिन ही शुक्रवार था। वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और अशनादि का स्वच्छ वस्त्र धारण किए दोपहर को आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुशीला ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखकर लेकिन और स्वर्ण आभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। गहना तो उसके पास कोई बचा नहीं था, सभी जेवर रोटी पानी के जुगाड़ में बिक चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, मंगल सूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसकी माँ ने उसकी पुत्री के लिए दी थी। उसने वे पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी, कटोरी में डाल दिया, थोड़ी शक्कर निकाल कर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी हंसी खुशी से बीता। पहले बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शीत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तक क्लेश में घर में नहीं हुआ। इसे सुशीला ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन में प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से सुशीला ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे किए। इसी कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति अपनी दुकान शुरू कर चुका था, उसका कामकाज भी जमने लगा था। अब घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी, कमी भी नहीं रह गई। यह अब स्वयं मां लक्ष्मी की चमत्कार और सुशीला की आस्था विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को सुशीला ने व्रत का उद्यापन किया। उसने 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा और पुस्तकें दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा मां लक्ष्मी की व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। उसने मां वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है मां, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरे सभी कामनाओं को मनोकामनाओं को पूर्ण करा दे। फिर उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आपकी देन है माँ, मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी, दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने की प्रेरित करूंगी। उद्यापन वाले दिन सुशीला अपने पति श्यामलाल के साथ प्रसाद और वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लेकर मंदिर गए। उन्होंने पुजारी को प्रणाम करके अपने दिन फिरने की बात बतलाई। तब पुजारी ने कहा, बच्चों, यह सभी मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का चमत्कार है। माँ वैभव लक्ष्मी का अपार कृपा से ही यह संभव हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ सब माँ वैभव लक्ष्मी की प्रताप था। मैं तो बस उनका सेवक मात्र हूँ और स्वयं को धन्य मानता हूँ। इस सदकार्य हेतु माध्यम के रूप में माँ ने मुझे चुना। आप भी इस शुभ कार्य में सहयोग दो। मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अधिक से अधिक पुस्तकें बांटते रहो, जिससे अन्य व्यक्ति भी यह व्रत करके अपना जीवन सफल बना सके। भक्तगणों, ये था हमारा वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा। आप सभी इस कथा को सुने और दूसरों तक सुनाएं। आपको सारे धन्य धान्य भरा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी को बना रहेगा।